खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्रों के विभिन्न मस्जिदों को किया निरीक्षण, पूरे प्रशासनिक लोगों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। कोरोना से लड़ना है तो रूथलेस कंटेनमेंट का हर हाल में पालन करना होगा, इसके अलावा भी कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, ये कहना है गिरिडीह की नवनियुक्त SDO प्रेरणा दीक्षित का। गिरिडीह सदर SDO, आज मैंने निरीक्षण किया, मैंने कल ही ज्वाइन किया था। निरीक्षण करने का मेन मकसद था कि लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सके, वो मास्क पहन सके और वो सैनिटाइजर का यूज़ कर सके। सारे हमारे भंडारी दी पंचम चौक ये सबको विजिट करने का एक ही मकसद था कि लोग को समझा सके, और हमारा रमजान का पर्व चल रहा है, रामादान चल रहा है, तो इसमें होता है वो धारा भी पढ़ते हैं जिसमें हमें उनको मोटिवेट करना है, वो ज़्यादा लोग ना आए। 5 लोगों का है, थाना प्रभारी से BDO CO से ये पहले ही उनको दे दिया गया है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मस्जिद के सामने एक वाइट बोर्ड पे लगा के रखें कि वो नमाज अपने घर में ही पढ़े। दूसरा रिक्वेस्ट मैंने उनसे मौलवी साहब से किया कि वो लाउड स्पीकर से बताएं कि आप लोग सब लोग घर पे ही पढ़ें, कहीं भी गैदरिंग ना करें। मेरा पहला मकसद जो यही था आज निरीक्षण करने का, बाकी आप लोग का सबका सहयोग रहे। कोरोना को हम लोग रूथलेस कंटेनमेंट, ये एक पहला टर्म है जिसको आप कोरोना को कर सकते हैं कंट्रोल, इसका और कोई उपाय नहीं है कंट्रोल करने का। जितना आप कम लोगों को एक नहीं इकट्ठा होने दीजिएगा, कम लोग रहे वही एक तरीका है। तो मेरा मेन मकसद है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कुछ कंफ्यूजन मैंने देखा गिरिडीह शहर में शॉप्स को लेकर के, वो DC सर के दिशा निर्देश के अनुसार उसे ठीक किया जाएगा। मैम, अभी आप कोरोना सेंटर का भी निरीक्षण की, तो यहाँ आपने लोगों से बात किया, तो बात करके क्या पता चला? कोरोना सेंटर तेलोडी का मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पे सैंपल को भेज दिया गया है, रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए सेफ्टी के वजह से मैं भी एंट्री अंदर नहीं की, पर मैंने सारी सुविधा पूछ लिया, बिजली है, पानी है, हमारे BDO CO और हमारे थाना प्रभारी ने यहाँ सिक्योरिटी दे रखा है। हमने कुछ लोगों को, मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं उनको हमने क्वारंटाइन कर रखा है, उनसे भी मैंने बात की, उनको भी सारी फैसिलिटी दे दी गई है। सिस्टम पहले से इन प्लेस है, मेरे पोस्टिंग से पहले से ही खाना पीना 2 टाइम का इनको, 3 टाइम का बिजली है, पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इनको मैंने मोटिवेट किया था, हिम्मत दिया कि और बस 8 दिन की बात है, 3 मई तक आप लोग पेशेंस रखिए, उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से हम लोग फिर काम करेंगे। गिरिडीह वासियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैम, गिरिडीह वासियों से, मैं गिरिडीह में प्रोफेशनल रही हूँ, गिरिडीह को काफी नजदीक से देखा है, इवन मैंने गावा ब्लॉक तक विजिट किया है जो काफी दूर है, वो मेरा वहां मैं बाल मजदूर के लिए कभी विजिट की थी, तो गिरिडीह जिला मुझे काफी अपने से करीब लगता है, सब लोगों को पहचानती हूँ। गिरिडीह वासियों से यही उम्मीद है, मुझे मेरे कार्यकाल में पूरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। प्रेरणा दीक्षित ने आज गिरिडीह के विभिन्न इलाकों का तूफानी दौरा किया, इस दौरान उन्होंने लोगों को सख्ती से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया और साथ ही विभिन्न मस्जिदों में जाकर वहां लोगों से बात की। गिरिडीह CO, दोनों DSP एक विनोद रवानी, DSP दूसरे संतोष मिश्रा और दोनों थाना प्रभारियों के साथ निरीक्षण पर निकली SDO ने कई क्वारंटीन सेंटर का भी दौरा किया और वहां भी व्यवस्था का जायजा लिया। प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि रूथलेस कंटेनमेंट का मंत्र देते हुए लोगों से ही सहयोग की अपील की। गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट।